हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, साइकिल बैलगाड़ी पर नारेबाजी करते निकले कांग्रेसी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल व गैस की कीमतों में रिकॉर्ड मूल्य वृद्धि के खिलाफ सोमवार को जालौर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। सुबह 11 बजे रिको कार्यालय सेकेंड फेज से साइकिल बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी व रथ गाड़ी द्वारा नया बस स्टैंड, हरिदेव जोशी सर्कल, वन वे रोड मानपुरा कॉलोनी होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं विरोध प्रदर्शन में राज्य मंत्री सुखराम बिशोई, जिला कांग्रेस प्रभारी भूरा राम सिरवी, पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी, पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष नैन सिंह राजपुरोहित, विधानसभा प्रत्याशी सवाराम पटेल, उम सिंह चांदराई, श्रवण सिंह राठौर, जालौर ब्लॉक अध्यक्ष जवाना राम माली, जालौर नगर अध्यक्ष जुल्फिकर अली भुट्टो, रमेश सोलंकी, वीरेंद्र जोशी, आम सिंह परिहार, राघवेंद्र सिंह, हिंदू सिंह दूड़वा, महिला जिला अध्यक्ष शोभा सुंदेशा, जिला सचिव सरोज चौधरी, रमिला मेघवाल, सुष्मिता गर्ग, भादरा जोन ब्लॉक अध्यक्ष लादूराम चौधरी, झुंझाराम चौधरी, प्रवीण बिशोई, रामाराम पटेल, पुखराज बिशोई, भरत मेघवाल, मिश्रीमल गहलोत, भरत सुथार, लक्ष्मण सांकला, बंशीलाल माली सहित जिले के प्रमुख नेतागण, अग्रिम संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। महंगाई के खिलाफ जालौर शहर में स्थित पेट्रोल पंप पर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के तत्पश्चात राजीव गांधी भवन परिसर में पौधारोपण किया गया। जागरूक टीवी की जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।